कांग्रेस ना आवे, कितनी जो लगा लीजो, बहुत भ्रष्टाचार कर लिए या हिंदुस्तान की, हम कह रहे हैं वो तो आएगी ना कांग्रेस, तो चाहे और पार्टी कोई सी आ जाए, कांग्रेस नहीं आनी। बहुत ही अच्छा लगता है आपको? अरे मोदी का तो हमारे बाल लगन कोई लगा रहा ना, कई कुछ कर रहा ना, पेंसिल भी कटवा रहा, कोई लगाया मोदी ने ना, कोई बाल डोले कोई लगाया। हाँ भैया, भैया सरकार बनाएगी मोदी की, हम वोट देंगे मोदी देंगे, चाहे हमें हमारे खेत अन्ने भी ले ले, हम जब भी वोट देंगे, पैसा मत दीजो फिर भी मोदी वोट देंगे। राहुल गांधी 60 साल रहे, पब्लिक खसोट के खा गए, हमें भूजो 70 रहे 70। योगी को आना चाहिए, अब नरेंद्र तो बहुत हो, तो योगी तो आना चाहिए, नरेंद्र बहुत दिन रह लिया। हाँ, ये गुंडागर्दी तो खत्म हो। वोट देंगे हम मोदी जी, मोदी ने सगले क्षेत्र उठाया, हर एक काम करो है, गरीबन की मदद करी है, बीमारन की भी कार्ड बनवा दिया, हर एक काम करे, मोदी वोट देंगे। तो हमारे यहाँ जो है बीजेपी ने कुछ नहीं करा है, हमारे युवा हैं ये सारे ऐसे ही घूम रहे हैं पढ़ लिख के। लोकसभा चुनाव 2024 की आहट तो आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि किस तरीके से जो सारी पार्टियां हैं वो जनता को अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटी हुई है। जी हाँ, हम लोग इस वक्त ग्रेटर नोएडा के दादूपुर गांव में मौजूद हैं, जहां पर हम लोग लगातार यानी कि श्रेष्ठ भारत की टीम पहुंची हुई है और लगातार लोकसभा चुनाव 2024 से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक जमीनी स्तर पर जाकर आपको एक एक अपडेट दे रही है। आप देख सकते हैं कि अक्सर लोग चर्चा करते हैं चाय पर, लेकिन आप इस वक्त देख सकते हैं कि हम यहाँ पर किस अंदाज में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मेरे साथ जो यहाँ पर आम लोग हैं, गांव के जो लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग हैं मेरे साथ। चलिए, तो आखिर माहौल क्या है, अब की बार किसकी सरकार बने और ये लोग किस आधार पर वोट करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि आजकल चल क्या रहा है। पहले तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं। हाँ जी, क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है जी, माहौल जैसा भी चलना है वैसा बढ़िया चल रहा है इस टाइम। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी अब की बार? अभी तो योगी की सी लग रही है। अच्छा, हाँ? अच्छा, प्रधानमंत्री पद पे किसको देखते हैं आप? योगी को आना चाहिए, अब नरेंद्र तो बहुत हो, तो योगी तो आना चाहिए, नरेंद्र बहुत दिन रह लिया। अच्छा, हाँ, ये गुंडागर्दी तो खत्म हो। गुंडागर्दी खत्म हो मतलब बीजेपी चाहते हैं आप? बीजेपी चाहते हैं। इधर आइए जरा, क्या लग रहा है आपको, हवा कहाँ है? हवा मोदी पे है। मोदी जी क्यों आएंगे भाई? क्या काम कर रहा है ऐसा मोदी जी? मोदी ने बढ़िया काम करा, गुंडागर्दी बंद करी है। गुंडागर्दी बंद कर दी है सब, हाँ, योगी ने, हाँ, मोदी ने, हाँ, हाँ। तो चलिए, अब जरा सा जो ये बाबा है इनको हल्का सा सुनाई कम देता है, तो अब पता लग गया है। बताइए, मैंने पकड़ रखा है माइक। वोट हम बाकी देंगे जो जनता को भला कर रहा है। अच्छा, वोट बाकी देंगे जो जनता की भलाई पे है, वोट देंगे हम मोदी की। मोदी ने सगले क्षेत्र उठाया है, हर एक काम करो है, गरीबन की मदद करी है, बीमारन की भी कार्ड बनवा दिया, हर एक काम करे, मोदी की वोट देंगे। जो अच्छा करे तो वाई की गैर लगना चाहिए, बुरो तो बुरा ही है। अखिलेश यादव बन सकते हैं प्रधानमंत्री? सबके भले में ही संसार को भलो है। हाँ, अखिलेश यादव बन सकता है प्रधानमंत्री? अखिलेश यादव ताको? अखिलेश यादव बन सका है प्रधानमंत्री? हल्के सर गुंडागर्दी है, उनके राज में गुंडागर्दी ज्यादा ही, आज गुंडागर्दी इतनी न हो है, हमें बूझो। राहुल गांधी बन पाएंगे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी हाँ, राहुल गांधी 60 साल रहे, पब्लिक खसोट के खा गए, हमें बूझो। 60 साल रही कांग्रेस? 70 रही काका, 70 रही, 60-70 साल रही कांग्रेस ने, पब्लिक खसोट के खा ले, उनकी दादागिरी हो गई, उनके घर की सरकार सबके भले में भलवा संसार का। अच्छा,
टक्कर में कौन है? राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे ये आप चुनावों में? नहीं नहीं, क्यों? नहीं बन पाएंगे, उन्हें बोलने की क्षमता नहीं है, बनेंगे कहाँ वो? अच्छा। उन्हें बोलने की क्षमता नहीं है, बोलना क्या हमारे क्या कहना, प्रजा के आगे उन्हें वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अखिलेश यादव नहीं बन सकता, यूपी बड्डो गुंडा है सबसे। हाँ सब ये गुंडा ही गुंडा हो रहे खड़े। हाँ जो और कोई ऐसा हो इन दो तीन पार्टी ने छोड़ के तो जब तो बन सके, इन्हें क्या आगे कौन आ रहा हो? कोई भी ना आवे को प्रधानमंत्री के आगे, आके नरेंद्र मोदी के योगी का सबने कौन आ रहा हो? ये सब गुंडा ही गुंडा, नरेंद्र होया यू अखिलेश होया सब ये गुंडा ही गुंडा। हाँ भला कौन सा इनमें? क्या सोचते हैं, क्या ख्याल है आपके मायावती के बारे में, वो प्रधानमंत्री बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। क्या चाहते हैं आपकी बार मोदी सरकार के बारे में क्या ख्याल है? मोदी सरकार ही आएगी क्योंकि डेवलपमेंट काफी किया है, सभी अधिकार क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है। मान चलो रोजगार के विषय में या गांव के जो लोग हैं उनको मतलब कोई भी अच्छा क्रेडिट कार्ड के लिए हर चीज के लिए अच्छा सोचा है। मतलब बीजेपी ने सभी अधिकार क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है, एक्स वाई जेड। चलिए ठीक है। हाँ जी, नहीं नहीं आपसे ही पूछूंगी अब मैं, और मना करिए। बताइए चाचा क्या लग रहा है आपकी बार? मोदी सरकार आनी है, मोदी आएगी चौबीस। कोई नहीं है क्या टक्कर में उनकी? कोई टक्कर में है नहीं, टक्कर में कोई है नहीं खड़े होने वाला उनके सामने। इधर बैठिए आप, इधर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर बैठिए। मुझे ये बताइए अब इलेक्शन है, 24 में चुनाव है। मो ना सुना बेटा, अब चुनाव है 24 में, क्या लग रहा है किसकी सरकार बने? मोदी की सरकार बनेगी। क्यों? अखिलेश यादव आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी? कोई काम ही नहीं करा। अच्छा मोदी ने काम किया? काम करा। क्या काम करा? बहुत कुछ करा है, जैसे कि रोड बनाए हैं, कहाँ ना बने हैं, बता बता। नहीं काम करे हैं, इसने काम करना है। मतलब अखिलेश यादव नहीं बन सकते क्या? नहीं बन सकते। राहुल गांधी नहीं? बाबा हाँ जी, सुनाई दे रहा है? खूब सुन रही है। पक्का? अब सुन रही है। तो वो वाला कान में दिक्कत है क्या? वो वाले कान में दिक्कत थी क्या? कौन फूट रहे तेरे नुबूज नहीं है भैया, मैं सुना है कम सुना है। अच्छा ये बताओ आपकी बार चुनाव है, किसकी सरकार बनेगी? मेरी? हाँ आपकी बनेगी। यूँ कह रहा सरकार किसकी बनेगी अब क्या भैया? सरकार तो मोदी की बननी चाहिए। हाँ। फिर मोदी ने तो हमारा अरे यार थमे रहो, पेंसिल में देख रहे वो बंद होगी और किसान निधि के पैसा में देख रहे वो बंद हो गए। अब किसान अब बताओ यू ही हमारे हुई है, दोनों दोनों बंद होगी हमारी। तो दिक्कत है मतलब? दिक्कत तो यू ही है, हमें मिलन लगे तो कुछ भी दिक्कत ना। नहीं आपकी पेंशन बंद होगी और जो किसान निधि के पैसा वो बंद हो गए, वे बंद हो गए। बोलो ना जोर से। ये बताओ आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, उनकी सुनाई कैसे दे रही है? ओ भैया मैं ही तो बह रहा हूँ, ये बह रहे ना खूब सुन रही है। भैया सरकार बनेगी मोदी की। हाँ। हम वोट देंगे मोदी देंगे, चाहे हमें हमारे खेत अन्य भी ले ले, हम जब भी वोट देंगे पैसा मत दीजो फिर भी मोदी वोट देंगे। राहुल गांधी आ पाएंगे कभी या नहीं आ पाएंगे बताइए? राहुल गांधी आएगा ना? कांग्रेस आएगी नहीं आएगी? कांग्रेस ना आवे, कितनी जोर लगा लीजो, बहुत भ्रष्टाचार कर लिए या हिंदुस्तान की ने, हम कह रहे हैं वो तो आएगी ना कांग्रेस, तो चाहे और पार्टी कोई सी आ जाए कांग्रेस नहीं आनी है। समाजवादी पार्टी आएगी या नहीं आएगी? समाजवादी भी कांग्रेस में मिलगी नहीं आएगी अब। अच्छा। इंडिया गठबंधन के बारे में कुछ सुना है? आएगा मोदी आएगी, जनसंघ ही लगा लो या भाजपा लगा लो या कुछ भी लगा लो, आएगा मोदी, आएगा मोदी। हम तो अपनी तरफ से कह रहे आना भी चाहिए, क्यों ये हमारा मसला ना, गांव का मसला ना, ये पूरी इंडिया को कहा पूरे वर्ल्ड को हुआ है।
मोदी ने ऐसे काम कर दिए नौ आज तक किसी ने करे ना करेगा कोई हो तक पहुंचा दिए। अब हम वार नो वोट देवे। अभी कल परसों हम आज गए कुल्ला करने गए हम हरियाणा में, हरियाणा में मैं कह लगा भैया तारे आज के कौन खड़ा है फरदाबाद सु ओ यो नहीं बीजेपी को ये वो यो जानपुर बनवाया यो भी कृष्णपाल न्यू कृष्णपाल मैंने कृष्णपाल बहुत बढ़िया भैया हमारा ससुराल को हमारा साड़ो है वाह ये वोट दीजो न्यूक जी हमारे आज के 60% जो वोट है जितनी भी वोट आएंगी वो सब हम या ये कृष्णपाल देंगे। मैंने बहुत बढ़िया उसने पुल बनवाया है हमारे लिए बीजेपी कोई वो है नहीं तो कितने ही आगे कितने ही चले गए आसु 40-45 साल हो गए पुल किसी पे नहीं बनो कृष्णपाल ने बनवा दियो। देखो हुक्के पे चर्चा करते वक्त हमारे साथ अम्मा भी मुंह छुपाए खड़ी हुई थी, इनसे बात करते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं क्या माहौल चल रहा है। है मेरे से बताओ अम्मा मोदी के बारे में कुछ जानते हो? भैया हम ना जानो कुछ भी काय के बारे में ना हम ना जानो। ये बताओ कोई दिक्कत परेशानी पेंशन आ रही है आपकी? हां आ रही है पेंशन। कितनी आ रही है पेंशन? 20,000 20,000 आ रही है, क्या बात है। मेरे अकाउंट में भी डाल दो मैं। अच्छा ये बताओ योगी के बारे में कुछ जानते हो? ए बेटी हम कहा जाने योगी के में? नहीं जानते? ना हम ना जाने। अच्छा सरकार के बारे में जानते हो कुछ? ना हम कहा जाने सरकार के बालक पढ़े लिखे हुए जाने सब। अच्छा। हम का पढ़े लिखे बेटी थोड़ा बहुत तो जानती होगी अम्मा? ना ना बेटी हम ना जाने। अच्छा किसी के बारे में तो जानती होगी अम्मा? ना मैं ना जान बैठ काय के नहीं। अच्छा ये बात बताओ आपको कोई दिक्कत तकलीफ आ रही है वोट किसको दोगी? भाजपा को दोगी बीजेपी को दोगी किसको दोगी? बीजेपी कांग्रेस पड़ांगे दुनिया देखवाई की हम दे देंगे बेटी। अच्छा घर में कौन किसको वोट देगा? अब हमें कहां पता जाके मोदी को जा रही है अब तो मोदी को जा रही है मोदी को जा रही है कई साल लोग मोदी जा रहा तो आप मोदी को वोट दोगी? और कभी सब भाई को देंगे तो हम भाई दे देंगे और किस ने भाई मोदी अच्छे लगते हैं आपको? अरे मोदी का छो हमारे बालकन कोई लगा रहा ना कहीं कुछ कर रहा ना पेंशन भी कटवा रहा कोई लगाया मोदी ने ना कोई बाल ले कोई लगाया है मोदी ने? हाँ मोदी ने मतलब रो, 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 वो नहीं है जॉब नहीं है ना कोई की ना ये खड़े नहीं खड़े हैं सब नंदीर। अच्छा हाँ। कोई जॉब नहीं कर रहा ना कोई भी नौकर रहे ये खड़े बेचारे सब कोई रोजी रोटी का साधन नहीं दिया ना वहाँ न दिया मोदी ने खाई बालक के दी रोटी दी जग को। अच्छा हाँ तो क्या आप मोदी से क्या बोलना चाहती हो क्या करे मोदी अब की बार जब मोदी न्यू करे हमारे बाल करने लगावे किसान के न्यू डोले सब हाँ। मतलब आप चाहते हो कि जितने भी बालक हैं आपके हाँ। जो बड़े बड़े मेरे का है को सबके बस्ती के हाँ। मेरे का बिचारे मोदी के पढ़ने सबके लगे सबके लगे सबके लगे। चलिए देखिए ये अम्मा हमारे साथ थी हमारे साथ यूथ भी है देखिए ये यूथ भी हमारे साथ है इधर आइए जरा आगे वोट देते हैं? हाँ जी बिल्कुल वोट देते। किसको देते हैं? बीजेपी। बीजेपी को क्यों देते हैं? बीजेपी को देते हैं क्योंकि काम क्या है बीजेपी। अम्मा तो बता रही है कि ये सारे बालकन इतने बड़े बड़े हो गए हैं मोदी ने डोल रहे मोदी तो वोट ले ले अपने यूं ही लगा देंगे कहीं जाके किसी कंपनी में कुछ तो हो पास हमारे लगवाओ मोदी हमारे बालकन डोल रहे पढ़ोगे लिखोगे कुछ डिप्लोमा होगा आईआईटी करोगे तभी तो किसी कंपनी में जॉब मिलेगी। पढ़ाई लिखाई नहीं करी करी है बिल्कुल अब तो पहले चल रही है तभी तो उसके बाद ही तो जॉब करेंगे पहले करें लेकिन वोट बीजेपी को जाएगी और हम आपके प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को मोदी जी को नहीं? नहीं काफी टाइम हो गया हम नया चेहरा देखना चाहते हैं जिस तरीके से यूपी को लीड किया है हाँ। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे देश को लीड करे योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव है टक्कर में? बिल्कुल नहीं कभी भी नहीं आने वाले समय में भी नहीं। प्रियंका गांधी वो कौन है? मैं नहीं जानता आगे चलो। राहुल गांधी कोई मतलब ही नहीं। नीतीश कुमार? अरे बीजेपी है यहाँ पे जवाब देते रहो बीजेपी नीतीश कुमार कोई नहीं कुछ नहीं यहाँ पे बीजेपी है बीजेपी ही आएगी आने वाले समय में भी और हम आपके योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वोट किसको दोगे? मोदी। क्यों क्या काम कर दिया मोदी ने? कुछ भी नहीं करो पर बढ़िया कुछ भी नहीं कह रहा पर बढ़िया है सही कह रहे हैं अपने भैया की बात से सहमत है योगी सरकार योगी हाँ जी योगी जी आएंगे
क्यों, अगर अखिलेश यादव आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्या? दिक्कत हो जाएगी जी, राम मंदिर बन गया और क्या चाहिए। अच्छा, क्या बात है, राम मंदिर बन गया तो इसलिए योगी जी। हाँ, यही ओपिनियन है। किसकी सरकार? अब के मायावती की सरकार आ जाए। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बीजेपी ने कुछ नहीं करा है। हमारे युवा हैं ये सारे ऐसे ही घूम रहे हैं पढ़ लिख के। और जो धीरेंद्र ठाकुर जी है, जो हमने विधायक थे, पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब के बीजेपी को नहीं देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ से जो है ब्लॉक था, ब्लॉक दनकौर था, उसको जेवर में ले गया। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको बीजेपी हमारे यहाँ से, क्षेत्र से, हमारे गांव से भी, हमारे गांव में एक भी ईंट बीजेपी नहीं लगाई है। दो बार सरकार बन चुकी है, एक भी ईंट। चारों तरफ का रास्ता टूटा पड़ा, चारों तरफ का रास्ता, आने जाने वाले रिश्तेदार सबसे खराब है। दादूपुर का रास्ता सबसे खराब है। यहाँ से पुभारी काशना जो कनेक्ट करते हैं दादूपुर के लिए, आज तक ठीक नहीं कराया किसी ने। सभी रास्ते ठीक हो गए। यहाँ से बरसात का रास्ता टूटा पड़ा है। दादूपुर से अमरपुर को रास्ता जोड़ा जाता है, वो टूटा पड़ा है। दादूपुर से नवादे को जोड़ा जाता है, वो भी टूटा पड़ा है। और विधायक धीरेंद्र ठाकुर जी ने आज तक उसकी कभी सुध नहीं ली है। और सर मुझे ये बात बताइए, तो अब की बार बीजेपी 400 पार का जो आंकड़ा बोल रही है, झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। ये देख लेना, तो मैं 300 भी पार नहीं कर पाएगी, नहीं गई। हाँ, जो बहन जी इन्होंने डरा के रख रखी है। अच्छा। बहन जी को डरा दिया, अब तुझे ईडी लगा देंगे तेरे पीछे। हाँ। अगर तूने कैंडिडेट खड़ा करा या मूवी निकाला थोड़ा सा। हाँ। तो बहन जी उससे थोड़ा सा डर गई है। अखिलेश बराबर की टक्कर दे रहा है। हाँ। लेकिन हमारे जिले में अखिलेश नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने पहले जिला ख़त्म कर दिया था, मुलायम सिंह यादव जी ने। हाँ। जिला गौतम बुद्ध नगर ख़त्म कर दिया था, इसलिए जो है समाजवादी का यहाँ वो नहीं है। बहन जी का वो रहेगा, राजेंद्र सोलंकी। अब के टिकट मिल गया उनको जो है जनता चाह भी रही। चुक पहले भी विधायक रह चुके हैं हमारे यहाँ। अच्छा। पहले भी काम किया था उन्होंने और अब भी करेंगे। लेकिन जो ये बीजेपी जो है, जो ठाकुर धीरेंद्र सिंह हमने दो बार जिता दिया। हाँ। उसने कुछ भी काम नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में हमने यहाँ पर चुनावी चर्चा करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि जैसा मेरा यहाँ पे हंस हंस के बुरा हाल हो गया था, जो हमारे दर्शक हैं वो भी अभी सेम ही फील कर रहे होंगे, क्योंकि चुनाव की चर्चा के बीच जो हंसी मजाक यहाँ पर हुई है, गांव के लोगों के साथ जो हुई है, ये वाकई में ये अलग ही एक अनुभव था। चुनावी चर्चा ऐसा पहली बार हुआ होगा कि श्रेष्ठ भारत की टीम दादूपुर गांव में आई है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 पर चर्चा की है, वो एक अलग ही अंदाज में की है। आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप क्या सोचते हैं कि अब की बार किसकी सरकार बने, किस आधार पर आप वोट करें, क्या क्या मुद्दे आपके पास हैं, कॉमेंट बॉक्स में हमें कॉमेंट करें। और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, नोएडा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।